जी अस्सलामुअलैकुम। शेब अख्तर ने ऐसा दिल तोड़ा है ना कि मैं कहता हूँ कि जी तो चाहता है कि इस बंदे को इतनी गाली दूँ ना, इतनी गाली दूँ कि जो फिर दुख होता है कि जितना सपोर्ट हम इसने इस बंदे को किया है तो उन सब के ऊपर हम मतलब मूत देंगे, मूतर गार देंगे। शेब अख्तर ने इस मतलब ये जो मसल्ली, ये बहन की पोनी है जो डाल के सर पे बैठा हुआ है, मुझे तो इसमें जो मसल्ली का नाम भी नहीं पता, ये गुटके की पैदाइश जो है इसको शेब अख्तर ने अपने शो के अंदर बिठा के उसके बाद साथ नादर अली भी बैठा हुआ है। और इन लोगों ने जो बदतमीजी की है ना खान साहब को लेकर और खान साहब के सपोर्टरों को लेकर, मेरा ख्याल में शेब अख्तर जो है वो नुमान न्याज, डॉक्टर नुमान न्याज की वो टाइम भूल गया है कि जब उसने लाइव शो में इसकी ली थी उस बंदे ने, और नुमान न्याज को हम लोगों ने मेरे YouTube के चैनल के ऊपर उसके लिए वीडियो बनी है, पड़ी है, जो कि मैंने शेबे का सपोर्ट किया था और हमेशा हमने इस बंदे को सपोर्ट किया है क्योंकि एक हमारे मुल्क का लेजेंड है और अपने से भी बड़े लेजेंड के लिए तुम लोग उसको प्यार करने वालों के लिए और उसके लिए तुम लोग ऐसा बोलो तो लानत है तुम लोगों के ऊपर। और सबसे बड़ा मुझे दुख यही है कि इतना बड़ा, तुम अपने आप को देख, तू अपनी मतलब वैल्यू देख, अपना करेक्टर देख, और तू किस को बिठा के ये चीजें लोगों के लिए सिर्फ दांत निकालने के लिए चीज तुम लोगों ने इस्तेमाल किया है। उस पैं जो उस गुटके की पैदाइश की तुम शक्ल देखो, बोल रहा कौन है, मेरे अंदर आग बहुत है, इन लफ्जों की आग बहुत है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हमने बहुत सपोर्ट किया हो ना तो फिर उस सपोर्ट को अगर हम बुरा बोल रहे हैं ना तो हम अपने ऊपर जो है वो पेशाब कर रहे हैं। शेबा जी तुसे भी पिंडी एक्सप्रेस तो असी भी पिंडी एक्सप्रेस हाँ, ये लफ्ज अपने शो के अंदर बैठ के और इस बगैरत के बच्चे को बेइज्जत करके लोगों से माफी नहीं मांगी तो आपको पता है कि खान हमारे लिए क्या है। जो इज्जत खान की थी वही इज्जत आपकी थी, आज तुमने अपनी इज्जत को हमारे इधर पैरों पे लिख दिया, निशान किधर और है लेकिन पैरों पे लिख दिया। अफसोस है मैं ऐसे बंदों के ऊपर, टके टके के बंदे नहीं है, कात नहीं है लोगों की, और तू इतना लेजेंड बंदा होके ऐसे घटिया लोगों को बिठा के ये मतलब एंजॉयमेंट कर रहे हो तुम, बगैरत।